एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? मैं हूं पूजा। मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का। तो कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टाइटल पढ़ के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो है। तो जी हां, आज मैं मीशो हॉल लेके आई हुई हूँ। ये सामान ना काफ़ी टाइम से आ गया था, बट बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई, इस वजह से ये सारे सामान पेंडिंग रह गए। और भी सामान मैंने ऑर्डर कर रखा हुआ है बट अभी नहीं आया है। जैसे कि आप लोगों को भी पता ही होगा कि मीशो की डिलीवरी थोड़ी सी लेट रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बट जैसे जैसे सामान आते रहेंगे, हम वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो जिनको नहीं पता है, वैसे तो सबको पता होगा बट जिनको नहीं पता है, कुछ लोग नए होते हैं, तो उनको हम बता दें मीशो क्या है। मीशो इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग ऐप है, जिससे हम खुद के लिए भी शॉपिंग कर सकते हैं और वहाँ से हम बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं बिना एक रुपए लगाए। मतलब जी हाँ, बिना एक रुपए लगाए अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और वहाँ से हम पैसे भी कमा सकते हैं। तो वीडियो को हम लास्ट में देखेंगे कि मीशो से हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें या फिर खुद के लिए शॉपिंग कैसे करें। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। और हाँ, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो सबके इसमें लिंक नहीं होता, कोड होता है प्रोडक्ट का, तो मैं उसको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो में अगर एक भी चीज़ आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो फर्स्ट नंबर पर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है डेकोरेट करने का सामान। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही पैकेजिंग में आया हुआ है ये, ऐसे ही मैंने ओपन करके देख लिया था, बाकी मैंने फिर से वैसे ही पैक कर दिया है, ऐसे पॉलीथीन में करके आया हुआ है। ये हैं बहुत ही प्यारे से गणपति बप्पा, ये देखिए। और यहाँ पे पीछे ना ये स्टिकर टेप क्या बोलते हैं इसको, तो ये चिपकाने के लिए दे रखे हैं, मतलब ऐसे ही चिपका के आप रख सकते हो। तो इनके साथ में दो और हैं साइड में, मैं दीवार पे लगा के आप लोगों को दिखा दूंगी, तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे लगाना है। बट मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं गणपति बप्पा। और इनको मैं दीवार पे लगाऊंगी तो आइडिया लगेगा कि आप लोगों को भी कैसे लगाना है। और तीनों के पीछे ये स्टिकर दे रखे हैं कि ताकि अच्छे से आप लोग दीवार पे स्टिक कर सको, अच्छे से चिपका सको, कील वगैरह ठोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली बहुत आराम से ये लग जाता है, मुझे बहुत पसंद आए। और सेकेंड नंबर पे मोस्ट फेवरेट मेरी, ये मैंने अपने लिए क्लच। और हाँ, ये भी ऐसे ही पैक होके आया हुआ था, ये देखिए ऐसा है, ये ऐसी पॉलीथीन भी करके आया हुआ है। ये देखिए पास से हम दिखा दे रहे हैं, इसमें ना थ्रेड वर्क हो रखा है और ये वेलवेटी कपड़ा है और ऊपर से ये स्टोन लगा हुआ है। ये बहुत ही सुंदर है और इसकी प्राइस आई थिंक, मतलब बहुत ही कम थी प्राइस, तो मुझे याद नहीं है, बट कोई नहीं, मैं कोड डाल दूंगी तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये देखिए लोकल मार्केट में भी इस रेंज में नहीं मिलने वाला है, मैंने देखा मुझे बहुत सस्ता लगा इसलिए मैंने ऑर्डर किया। और मैंने ऑर्डर किया, मैंने कहा देखते हैं कि कपड़ा इसका कैसा आता है, कैसा क्लच है, कैसा नहीं, बट मुझे ये बहुत पसंद आया पर्सनली, बहुत ही ज़्यादा। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बाय कर सकते हो। और अंदर से इसमें दे रखी है चेन, अच्छी खासी लंबी चेन है ये, ये देखिए अंदर से ये दे रखा है चेन। और अंदर इसमें ये देखिए इतनी स्पेस है, तो अच्छे से देख लो। और इसमें चेन लगाने के लिए, टाई करने के लिए ये देखिए दे रखा है, साइड में बना रखा है। और इसको खोलने बंद करके ऐसे ही बंद होगा, ऐसे ही खुलेगा। मुझे तो ये बहुत पसंद आया ओवरऑल, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैंने इसमें ब्लैक कलर मंगवाया है
कलर बहुत सारे वो ऑप्शन थे वहाँ पे, आपको जो पसंद आया आप ऑर्डर कर सकते हो। ये वेलवेटी कपड़े का कलर चेंज रहेगा, बाकी थ्रेड वर्क यही कलर रहेगा, गोल्डन कलर ही मतलब देते हैं। तो ये मुझे ओवरऑल बहुत पसंद आया। और हाँ, इसके साथ एक मास्क आया हुआ था पिंक कलर का, वो मेरी बेटी ने निकाल दिया मतलब, बट इसके साथ एक मास्क आया हुआ था वो पिंक कलर का था। तो ये है हमारा सेकेंड सामान, और थर्ड भी क्लच ही है, थर्ड भी है हमारा क्लच ही। ये ऐसे पैक होके आया हुआ था, इसकी ना पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ना ये ऐसे बॉक्स में करके आया हुआ है। सबसे ज़्यादा मुझे ये सुंदर लगा है इसको कि ये बॉक्स में रखना कितनी ईजी है, कि मतलब आपका पर्स बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है, आप यूज़ करो फिर उठा के ऐसे ही रख दो इसको सेफली। तो ये ऐसे बॉक्स में आया हुआ है, और बॉक्स को तो हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसमें ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। बहुत ही मुझे ये पसंद आया, ये देखिए, और इसमें भी गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क हो रखा है। पहले उसमें पैक था, फिर इस बॉक्स में पैक था, ये देखिए। फिर बॉक्स को हम करते हैं साइड, फिर पॉलीथिन में है ये। ये बिल्कुल रेड कलर है, बोल्ड रेड कलर, और गोल्डन कलर का थ्रेड वर्क हो रखा है, कपड़े से बना हुआ है ये। तो मैं ओपन करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, पर्स तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये हैंड पर्स है, ये देखिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और इसको ओपन करने के लिए हल्का सा ऐसे प्रेस करना, हल्का सा बिल्कुल, ये अपने आप ओपन हो जाएगा, सॉरी। ये देखिए, इसके अंदर में ये डाल के रखा हुआ है, ताकि मतलब ये दिखाया गया है कि इसमें आपका फ़ोन भी आ सकता है। और इसमें चेन वगैरह नहीं दे रखी है कुछ भी स्लिंग बैग के लिए, मतलब ये हैंड पर्स है ना, इसलिए इसको भी ऐसे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ओवरऑल ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। सबसे ज़्यादा मुझे इसकी पैकेजिंग पसंद आई, कि इस बॉक्स में करके आया हुआ था, तो मुझे ये पसंद आया। आप लोग भी बताइएगा, और हाँ, सबके कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सामान है मतलब स्टॉक आउट नहीं हुआ है, मैंने देखा भी है, इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना देती हूँ। और ये कम प्राइस में है, तो फिर इसका भी फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं कि मैंने आगे कौन सा सामान ऑर्डर कर रखा है। इसके बाद मैंने अपने लाडो के लिए बच्चों का बैग, स्कूल बैग बोल सकते हो, या खेलने का बैग, ऐसा ये दो दो, ये भी वेलवेटी कपड़े में ही है। पैक तो ऐसे ही होके आया था, सबसे पहले ऐसे आया था, मैंने सारे पैकेट को खोल के चेक करने के बाद वैसे ही पैक कर दिया है जैसे आया हुआ था, ताकि आप लोगों को बताने में और दिखाने में इजी हो कि सामान कैसे आता है कैसे नहीं। सामान तो बिल्कुल सेफली आया हुआ है, और सब कुछ अच्छे से पैक होके आया है, तो पैकिंग में कोई कमी नहीं है, नो डाउट। तो फर्स्ट नंबर पे ये है पिकाचू, इस पे लिखा हुआ पिकाचू, तो ये है पिकाचू। आगे से भी, हाँ आगे से भी एक चेन दे रखी है, ये बच्चे खेलते हैं थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, मेरी बेटी मतलब कहीं मेरा पर्स लेके भागेगी, कहीं कुछ लेके भागेगी, कहीं बैग, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर कर दिया। और मुझे ना ये प्राइस इसकी बहुत सही लगी, आई थिंक 400 या 500 के अंदर में ही है ये। अंदर से भी एक चेन दे रखा है, स्कूल तो अभी जाना नहीं है लॉकडाउन की वजह से, मतलब सब बंद है, तो फिर इसलिए, लेकिन फिर भी मेरी बेटी को पसंद आया, वो खेलती है एंजॉय करती है। अभी जब आया तो मैंने उसे दिखाया, तभी ये मांग रही थी, बट मैंने उससे छुपा दिया, मैंने कहा वीडियो बना के तब देती हूँ, बट मुझे ये पसंद आया, ये देखिए। तो ये है पिकाचू, इनको करते हैं साइड, और सेकेंड नंबर देख लेते हैं। सेकेंड ये है, तो ये है मिकी माउस, मिकी, इनका भी पॉलीथिन करते हैं साइड, सेम वैसे ये भी बना हुआ है, ऊपर से एक चेन दे रखा है, ये देखिए, और एक यहाँ से साइड से,
बच्चों के खेलने के लिए या छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, मुझे पसंद आया इसलिए मैंने ऑर्डर किया। और क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है दोनों की। तो ये दो बैग हो गए मेरे लाडो के। वो बहुत खुश हुई इसको देख के, बैग को बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आया। और नेक्स्ट मेरा सामान क्या है, और हाँ एक मैंने जो है इनके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, मतलब इनके लिए अपने हस्बैंड के लिए मैंने जैकेट ऑर्डर की थी, लेदर की जैकेट थी, बट ना पिक में जैसा दिखाया वैसा आया नहीं, इसलिए मैंने रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, मैंने रखा नहीं, मुझे पसंद नहीं आया थोड़ा सा। और उसमें ना थोड़ी सी फिनिशिंग नहीं थी। देखिए मैं लास्ट में उसकी पिक डाल दूँगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मैं दिखा दूँगी तो प्लीज़ उस चीज़ को। तो पिक में तो बहुत ही सुंदर लग रही थी तो, लेकिन आया तो सामान मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने रिटर्न कर दिया उसको। लास्ट में उसकी पिक मैं ज़रूर डाल दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये है मेरा नेक्स्ट सामान, ये भी मैंने अपने हस्बैंड के लिए मंगवाया है, और इसकी भी पिक आप देखोगे तभी समझ में आएगा। ये ऐसे यहाँ पे आता है गले में, और ये कैप है, ये भी मुझे पसंद आया, पहनने के बाद ये ना बहुत सुंदर लगता है। तो ये कैप और ये, और इसी का मैचिंग मैंने वो जैकेट भी मंगवाया था, बट वो जैकेट उतनी अच्छी मतलब नहीं निकली तो इसलिए मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया, वापस कर दिया। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी है, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की है, कुछ ड्रेस ऑर्डर किए हैं और कुछ कुर्तियाँ ऑर्डर की हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो अभी जब वो सामान आ जाता है तब हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी इन सारी चीज़ों में कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी तो कमेंट आउट ज़रूर करिएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम मीशो से शॉपिंग या बिजनेस कैसे करें। तो मीशो ऐप डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। मीशो ऐप आप मेरे लिंक के थ्रू डाउनलोड करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 20% ऑफ या फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सारी वैरायटी मिल जाएगी, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, ऊलन और ज्वेलरी, कुर्ती, जीन्स टॉप, बच्चों की सारी। यहाँ कैटेगरी में जाने के बाद आप देखोगे तो सब कुछ यहाँ पर मिलता है आपको, और यहाँ से आप बिजनेस भी कर सकते हो और खुद के लिए भी परचेज कर सकते हो। तो बिजनेस करने के लिए आप जो भी सामान जिसको भेजो तो वो आप उसमें अपना मार्जिन ऐड करके तभी भेजिएगा। जो मार्जिन आपका रहेगा वो एक हफ्ते के बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ से बिजनेस भी करना बहुत ही आसान है, और खुद के लिए कोई भी चीज़ परचेज करना बहुत ही आसान है। और यहाँ पे ये कुर्ती हम अपने लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना हम साइज़ सेलेक्ट करेंगे, और साइज़ सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे आप एक सामान एक बार में ही मंगा सकते हो। तो कुर्ती यहाँ पे थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे फिर हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। अपने लिए मंगवा रहे हैं तो हम प्राइस उतनी ही रखेंगे, अगर किसी के और के लिए हम सेल कर रहे हैं तो उसमें अपना प्राइस हम अपना मार्जिन मतलब ऐड कर देंगे, तब डन करेंगे। और फिर यहाँ हम अपने लिए मंगा रहे हैं तो हम वही प्राइस डन करेंगे जितना इसमें लिखा हुआ है। तो बस बहुत ईजी है। थैंक यू, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।